एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया था शादीशुदा एंड नई नवेली दुल्हन के लिए रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके लिए वीडियो मेकअप का वीडियो बताया था, बहुत ही इजी स्टेप बताए थे। एंड मेकअप करते टाइम कई बार मेकअप हमारा हैवी हो जाता है एंड ड्राई पैचेस आ जाते हैं, तो उसके लिए हमको अपना पूरा मेकअप रिमूव करना पड़ता है। एंड हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल रह लेते हैं, यार मेकअप तो ख़राब हो गया, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताई है जिसकी वीडियो जा चुकी है, आज ही शाम को अपलोड हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर लो। अगर आपका मेकअप हैवी हो जाए, ड्राई पैचेस आ जाए बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करने की वजह से, तो आपको पूरा मेकअप साफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक जो टिप्स बताया है मैंने वो जाके फॉलो कर लो, आपका मेकअप ग्लोसी सिंपल बहुत नेचुरल सा और बहुत सुंदर सा आ जाएगा और पूरा मेकअप रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं बताने वाली हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेज आए थे कि दीदी आपने शादीशुदा औरतों के लिए तो बता दिया मेकअप, बट कुंवारी लड़कियों के लिए कुछ सिंपल सा बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छा सा मेकअप को बताइए, ताकि हम लोग अपने रक्षाबंधन पे उसको ट्राई कर पाएँ एंड वो मेकअप करके हम लोग खूबसूरत दिख पाएँ। तो गर्ल्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही ईजी स्टेप के साथ सिंपल ग्लोइंग मेकअप तो रहेगा फेस पे, लेकिन विदाउट मेकअप जैसा दिखेगा एंड बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हैं आप। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियो डे बाय डे मेरे चैनल पे अपलोड होते जा रही हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने चेहरे का सीटीएम कर लिया है एंड स्किन पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर जो है वो मेरा लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। वाह, और मैंने स्किन केयर बताया था, जिसके भी स्किन पे डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट्स हैं, एजिंग आ रही है, सब चीज़ों को रिमूव करके एक ग्लोइंग सा 30 साल की एज में 20 से 22 साल की दिखना चाहती है, तो फेस पे जाके अप्लाई कर लीजिए। एंड उसको आप हफ्ते में 3 बार अप्लाई करोगे, आपका जो एजिंग है वो कंट्रोल होने लग जाएगा, डार्क स्पॉट कंट्रोल हो जाएगा, डार्क सर्कल रिमूव हो जाएगा और स्किन की जो और प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद से आपको 2 मिनट का टाइम देना है, ताकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और जो आपका मेकअप आप जो अप्लाई करोगे वो ब्लेंड होने में काफ़ी अच्छा लुक आए। आप मेकअप में बेशक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो भी ओपन पोर्स है वो रिमूव होना वो बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपन पोर्स से अगर आप गर्मी का टाइम है पसीने निकलेंगे तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है, ड्राई पैचेस आ सकते हैं, इसलिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने मेकअप में। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी स्टेप के साथ, बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप। तो मैं यहाँ पे प्राइमर ले लिया है मैंने हुड्डा ब्यूटी का, तो ये इतना सा प्राइमर मैं ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना लगाइए कि आपका जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से हाइड हो जाए। ऐसे मैंने फिंगर पे फैलाया। ओके, पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर को लगाना है एंड प्राइमर को लगाने के बाद से थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बताया था सिर्फ फाउंडेशन की मदद से नई नवेली दुल्हन एंड साड़ी के लिए एंड शादीशुदा लोगों के लिए मेकअप, आज मैं बताऊँगी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ईजिली सबके पास मिल जाता है, तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो गर्ल्स एंड अपने लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट पाउडर लगाया था। और अगर आपके स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्ने, पिम्पल्स एंड डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स है, तो आप हल्का फुल्का फाउंडेशन यूज कर सकते हो, बट आपका स्किन थोड़ा मोड़ा दिक्कत है एंड अच्छा है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से नॉर्मल अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो, बट कैसे करना है वो पूरा वीडियो देख के आपको पता चलेगा। सिर्फ आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दोगे तो भी आपका मेकअप अजीब दिखने लग जाएगा, तो आपके मेकअप को सिर्फ गोरा नहीं दिखाना है, नेचुरल लुक दिखाना है, शाइनिंग दिखाना है, सॉफ्ट होना चाहिए। 1 सेकेंड गाइस, मेरा कॉल बजे जा रहा है। तो चलिए बताती हूँ कैसे करना है। मैंने बस प्राइमर लगाया है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप डार्क सर्कल को हाइड कीजिए। डार्क सर्कल कैसे हाइड करनी है उसकी वीडियो मैंने डिटेल में बताई हुई है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगे एंड आपका जो लुक है वो बहुत सॉफ्ट एंड बिल्कुल नेचुरल इवन दिखेगा आपका स्किन,
और डार्क स्पॉट्स है तो उसको भी आप यूज कर हाइड कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का सा फाउंडेशन लगाइए, दैट्स इट। ज़्यादा मेकअप नहीं करना है क्योंकि मेकअप आपको पूरा दिन रखना है एंड मेकअप आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए बहुत जितना लाइट हो सके उतना लाइट मेकअप कीजिए एंड अपने लुक को खूबसूरत दिखाइए। तो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, डायरेक्ट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। वन सेकेंड, तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस पे पूरा अच्छे से अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट पाउडर को। आई मेकअप भी बताऊंगी, आप ये मत सोचना कि आपने मैंने फाउंडेशन कंसीलर कुछ यूज़ नहीं किया है तो आई मेकअप कैसे होगा। होगा, बिल्कुल होगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। तो गर्ल्स जिनका भी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं। फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर वगैरह वगैरह चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका मेकअप बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन जिनके स्किन पे प्रॉब्लम होती है उन पे यूज़ करना पड़ता है, ब्राइडल्स पे यूज़ करना पड़ता है थोड़ा मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन आपको नेचुरल लुक चाहिए तो ये मेकअप आपके लिए है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहती हैं अपने लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हैं, आईज के नीचे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया। सेकेंड स्टेप जो होगा वो लेंगे हम लोग ब्लशर। तो ये ब्लशर है सिस ब्यूटी का, काफ़ी अच्छा है, पिंकनेस इसका लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। जैसे कि हम लोग ब्लशर लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे तो जो हल्का फुल्का डार्क स्पॉट होता है वो ईजिली हाइड हो जाता है। देखिए कितना ईजिली मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट है बट वो हाइलाइटर एंड ब्लशर की वजह से दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा ब्लशर हम लोग आइज के आसपास भी करेंगे। वाओ, तो बहुत इजी स्टेप बता रही, बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप के साथ ये रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप फॉर गर्ल्स के लिए है ये। नोज पे भी थोड़ा सा लगाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना किए हुए भी हमारा जो मेकअप लुक है वो कितना खूबसूरत आने वाला है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर भी हमारा फिक्स ब्यूटी का है, शेड नंबर 02 है। तो हाइलाइटर को इस तरीके से ब्रश में लिया है। वाह, फिक्स ब्यूटी का जो हाइलाइटर है वो बहुत अच्छा है, मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रही एंड कैमरे का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है एंड कोई भी फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके, अब हाइलाइटर को इस तरीके से ब्रश में लेंगे एंड पूरे आईज पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। गर्ल्स के लिए बिल्कुल सिंपल इजी मेकअप स्टेप बता रही हूँ। अब हम लोग अपने आईब्रोज को फील करेंगे। आईब्रो को फील करने के लिए मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर ले रही हूँ। अगर आपको जेल आईलाइनर नहीं लेना है, बहुत नॉर्मल सा लुक चाहिए बहुत इजी स्टेप के साथ, तो आप लोग अपना आईब्रो पैलेट, आई शेडो पैलेट, इनमें से ब्लैक कलर का आई शेडो उठाएंगे, देन अपने आईब्रोज को फील करेंगे। ध्यान रखिएगा आपने मेकअप कंप्लीट कर लिया है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकालना ना भूलें। जो आईब्रो आई शेडो पैलेट में से जब हम लोग आईब्रो फील करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। देखा आपने कितना इजीली हमारा आईब्रो जो है वो फील हो रहा है एंड बहुत अच्छा लुक आएगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। बस इसी तरीके से आपको दूसरा आईब्रो भी फील कर लेना। देखा कितना इजीली और बहुत ही नेचुरल लुक के साथ हमारा आईब्रो यहाँ पे फील हो चुका है। वाओ, अब गर्ल्स आप लोग जरूर बोलेगा फिर दीदी आपने तो कमाल का वीडियो बना दिया। तो इस तरीके से दोनों आईब्रोज को फील कर लेंगे, बिल्कुल इजीली, ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं यूज करना, ना पेंसिल ना कुछ, बस आई शेडो पैलेट लेना है और इस तरीके से अपने आईब्रोज को फील कर लेना है। जहाँ भी कम प्रोडक्ट लगे वहाँ पे आप थोड़ा सा आई शेडो और लेके और इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा।
तो ये हमारा आईब्रो फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है बस अपना आई शेडो ब्रश, कोई लाइट सा शेड ले लेंगे, कोई भी कलर का आप ड्रेस पहन दो बट आपको लाइट शेड ले लेना है, लाइट पिंक कलर ले लेंगे, लाइट पिंक ले रही हूँ मैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन अपने आईज पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना मत भूलिएगा गाइस, नहीं तो उससे आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है आपके फेस पे गिर के। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ मैं अपने वीडियोस में, जिससे कि आपका जो बिगड़ा हुआ मेकअप है वो भी सुधर जाता है और आपका मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इस तरीके से पिंक कलर का शेड लेके आपको अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा वाइट सिल्वर कलर का शेड लेंगे, देन आईब्रो के नीचे लगाएंगे जिससे कि हमने अपना जो आईब्रो नहीं बनाया था वो हाइड हो जाए और लगे कि हमने आईब्रो बनाया हुआ है। ओके, थोड़ा सा सिल्वर कलर और लेंगे, अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको लाइट पिंक शेड लेना है दोबारा से और लो वाटर लाइन पे अप्लाई करना है। लो वाटर लाइन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक आप अपने लो वाटर लाइन पे कलर अप्लाई नहीं करते तब तक आपका जो आई मेकअप लुक है वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हमेशा मैं वाइट काजल के साथ अपनी आँखों को बहुत बड़ा बड़ा एंड खूबसूरत दिखाती हूँ, बट यहाँ पे हमको क्यूट सा नेचुरल सा सिंपल सा लुक मेकअप लुक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा आपको ग्लिटर यूज कर लेना है यहाँ पे। ग्लिटर तो चलता है यार, थोड़ा सा तो चलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मेकअप एंड रक्षाबंधन का टाइम है, तो थोड़ा सा तो चलता है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल घर में आपको मेकअप करके रुकना है या फिर ऐसे, तो आप क्या करोगे, ग्लिटर के लिए आपको लेना है लाइट पिंक कलर का शेड। ओके, जरा सा ग्लिटर लेना है, अपने आई लिड पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है, जिससे कि जो आपका मेकअप है उसमें चार चांद लग जाए और लगे कि वाओ कितना हैवी मेकअप किया है, बट आई मेकअप मतलब कितना खूबसूरत किया, हैवी तो नहीं बता बोल रही हूँ सॉरी। अब दैट्स इट, देखा आपने अब कितना खूबसूरत लग रहा है, और कुछ ज़्यादा किया भी नहीं, ना कट क्रीज किया है, ना कंसीलर लगाया है, ना फाउंडेशन लगाया है, नॉर्मली सिंपल वे में आप अपना मेकअप कंप्लीट कर लोगे। और सॉरी मेरा आई शेडो पैलेट टूट गया। अब हम लोग लाइनर लगाएंगे, काजल अप्लाई करेंगे और अपने मेकअप को डन करेंगे। काजल यहाँ पे ले रही हूँ मैं लैक्मे 925 का। काजल अप्लाई करने के लिए इस तरीके से आईज को नीचे की तरफ करना है। काजल अप्लाई करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ आपको अंदर अंदर काजल अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की तरफ लगाना है, अपर वाटर लाइन पे भी जरूर लगाना है। जब तक ये अच्छे से काजल नहीं फील होता है तब तक जो हमारा लुक होता है वो अच्छा नहीं आता है। अब आपको अगर मस्कारा लगाना है तो लगाइए, मस्कारा तो लगाना ही लगाना है, आईलाइनर लगाना है तो पतली सी आईलाइनर लगाइएगा, बहुत चौड़ी नहीं, हमेशा मैं चौड़ी लाइनर लगाती हूँ अपने आईज पे, बट आज हम लोग पतला सा लगाएंगे क्योंकि हमको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए। ओके, इस तरीके से विंग्स निकालनी है तो आप निकालिए, नहीं निकालनी तो छोड़ दीजिएगा, बट मुझे विंग्स अच्छी लगती है तो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन लाइनर को चौड़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है। साइड में थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो बट इनर कॉर्नर पे पतला ही रखना है। लो वाटर लाइन पे थोड़ा सा लाइनर लगाएंगे जिससे कि जो हमारा काजल है वो फैले नहीं। इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। ओके, वाओ, इसी तरीके से दूसरी आईज पे लगाएंगे। तो लाइनर लगाने के बाद से आपको कोई लाइट कलर का लिपस्टिक का शेड लेना है, अगर आपने लिपस्टिक का जो शेड है वो डार्क लिया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी लाइट नहीं लगेगा,
चाहे आपने मेकअप नहीं भी किया होगा, अगर आपने लिपस्टिक का कलर बहुत डार्क लिया है तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली डार्क दिखेगा। तो आपका जो मेकअप को डार्क एंड लाइट दिखाने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा पूरा आपके आईज मेकअप एंड लिपस्टिक पे डिपेंड करता है। वाओ, अब हम लोग अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे एंड अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे। एंड सेटिंग स्प्रे को बिल्कुल मत भूलिएगा, सेटिंग स्प्रे आपको लगाना ही लगाना है जो कि मेकअप को अच्छे से सेट करता है। और इसको ड्राई होने देंगे एंड ये जो मेकअप है वो बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड बहुत अच्छा लुक आएगा। अब अपने बालों को आप स्ट्रेट कर लो एंड आप रक्षाबंधन के लिए रेडी हो पूरी तरीके से। इयर रिंग्स आप अपना अपना जो भी आपको पसंद है वो आप इयर रिंग्स डाल सकते हो। बालों को स्ट्रेट कर लो या फिर जिग जैग मशीन से वो कर लो, या फिर कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो आप हेयर स्टाइल बना लो। बट अगर फोटोशूट है करना है, आजकल तो सभी को फोटोशूट करना होता है, तो ओपन बालों के साथ ही रहिएगा क्योंकि ओपन बालों के साथ फोटोशूट बहुत अच्छा होता है एंड लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो गर्ल्स जिन्होंने भी कमेंट किया था कि दीदी हम लोग के लिए भी मेकअप बताइए, तो आज उनका मेकअप कमेंट कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इयर रिंग्स के लिए मैं इस तरीके के झुमके डाल रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप साड़ी के साथ भी डालोगे तो अच्छा लगेगा, सिंपल लुक के साथ भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सिंपल लुक कर रखा है तो आप हैवी ज्वेलरी नहीं डाल सकते। इस साइड का तो कान नहीं दिख रहा है, फिर भी डाल लेती हूँ। मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ पिक्चर में, देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वाह, ये बैंक कट की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा लुक जो है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, बिल्कुल भी नेचुरल कैमरा है, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी फिल्टर नहीं है। तो आप इस तरीके से मेकअप को अपने कंप्लीट कर सकते हो, आईलैशेस लगा के अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे। एंड अपना दुपट्टा, दुपट्टे को साइड में रखिएगा इस तरीके से पिन अप करके। चूड़ियाँ डालनी है तो आप डाल सकते हो एंड कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो आप हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर खुला नहीं रखना है तो जैसे हल्का सा कोई पफ वाला हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर बीच की मांग के साथ कोई हेयर स्टाइल चाहिए तो वो कर सकते हो। बट मेरे फेस पे जो होता है वो पफ सूट करता है ज़्यादा, तो मैं पफ ही बनाती हूँ। इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ पुल करना है, देन बड़ा सा पफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और ये जो फ्लिक्स कटे हुए हैं इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप पिन वगैरह लगा लीजिएगा, बट मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए बना रही थी वीडियो। मैं यहाँ पे क्लचर से ही अपने लुक को कंप्लीट कर रही हूँ इस तरीके से। तो गर्ल्स कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हेयर स्टाइल आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप अपना अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और हेयर स्टाइल की वीडियो बहुत सारी है, कुर्ती के लिए, साड़ी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, जुबान हेयर स्टाइल को, ओपन बालों के लिए हेयर स्टाइल। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप देख के भी सीख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है सारे हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़। और इस तरीके से अगर इयर रिंग्स दिखाना है तो यहाँ पे एक पिनअप कर लीजिएगा, तो आपकी इयर रिंग्स भी दिखेगी और आपका लुक भी काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपने आई मेकअप को कंप्लीट सॉरी आई लैशेस के साथ अपना मेकअप लुक कंप्लीट करेंगे। और कैसा लग रहा है ये सिर्फ फाउंडेशन की मदद से जो मैंने मेकअप किया है, आप लोग को कैसा लगा? वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की इजी स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज देखने के लिए और बारीकी के साथ पूरा बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तुम्हें बताने का तरीका कैसा लगता है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये है पूरा फाइनल लुक। बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप्स हैं, तो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। और भी कुछ जानना है आपको, कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से आप लोग को बता पाऊँ।